देखिए यहाँ हमारे प्रीतपाल सिंह जी जिसको खनौरी बॉर्डर से अगवा करके पुलिस हरियाणा की और उनके साथ कुछ शरारती तत्व थे जो कहा जा रहा PRSS के लोग थे, उनकी एक लात जो है घुटने से उसकी बहुत ज़्यादा नुकसान किया गया, एक लात को बहुत सारे फ्रैक्चर है, सर पर भी चोटें हैं, दांत आगे के तोड़े गए हैं, रस्सी से जो गला दबाने के यत्न किए, पूरे शरीर में चोटें हैं। तो आज 23 दिन हो गए लगभग ICU में हैं। तो अब वो जो डॉक्टरों से मैंने बात की तो बोले बिल्कुल अभी स्वस्थ हैं, एक प्लास्टिक उन्होंने लगाई हुई है टांग पर, तो वो 6 हफ्ते के बाद शायद पूरी तरह कवर अप हो जाएंगे। तो जैसे पंजाब में BFB के मामलों को लेके आपस में पॉलिटिशियन लड़ते हैं, इनके साथ भी BFB इनके कारों को छेड़ा गया है, ये केसों से पकड़ा गया, खालिस्तानी कहा गया है, इसके आप पंजाब सरकार का क्या समझते हैं? हाँ देखिए, जिस तरह का व्यवहार हरियाणा पुलिस और उसके साथ जो RSS के गुंडे थे जो हमें लग रहा, तो वो एक धर्म के आधार पर इशू खड़ा करना चाहते, जिस तरह से हमें खालिस्तानी बताते हैं या खालिस्तानी कहते हैं, तो वो बोल रहे थे इनको, तो इसके लिए मुझे लगता है अभी ये तो सिंह साहब इसके बारे में अपनी बात रखें। पंजाब सरकार से तो हम वैसे ही बोलते भी, उन्होंने स्वतंत्र पंजाब की टेरिटरी का इस्तेमाल किया पूरे थ्रू आउट आंदोलन, तो अभी भी उनके CID के लोग हमारे आंदोलन में आके घुसते हैं, तो हम तो उनको लगातार बोल रहे हैं भी अब जिस तरह का भी FIR बनती है तो करिए, अभी पंजाब सरकार की दुचित्ती है, वो कुछ कर नहीं पा रही। आप समझते हैं SGPC को भी इस मामले में सामने आने जो भेद भी हुई है? क्यों नहीं, देखिए धार्मिक संस्थाएं हमारी जो भी है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो बयान प्रीतपाल जी उनकी माता जी दे रहे हैं तो उनके आधार पर उनको कार्य करना चाहिए। देखिए यहाँ हमारे प्रीतपाल सिंह जी जिसको खनौरी बॉर्डर से अगवा करके पुलिस हरियाणा की और उनके साथ कुछ शरारती तत्व थे जो कहा जा रहा PRSS के लोग थे, उनकी एक लात जो है घुटने से उसकी बहुत ज़्यादा नुकसान किया गया, एक लात को बहुत सारे फ्रैक्चर है, सर पर भी चोटें हैं, दांत आगे के तोड़े गए हैं, रस्सी से जो गला दबाने के यत्न किए, पूरे शरीर में चोटें हैं। तो आज 23 दिन हो गए लगभग ICU में हैं। तो अब वो जो डॉक्टरों से मैंने बात की तो बोले बिल्कुल अभी स्वस्थ हैं, एक प्लास्टिक उन्होंने लगाई हुई है टांग पर, तो वो 6 हफ्ते के बाद शायद पूरी तरह कवर अप हो जाएंगे। तो जैसे पंजाब में BFB के मामलों को लेके आपस में पॉलिटिशियन लड़ते हैं, इनके साथ भी BFB इनके कारों को छेड़ा गया है, ये केसों से पकड़ा गया, खालिस्तानी कहा गया है, इसके आप पंजाब सरकार का क्या समझते हैं? हाँ देखिए, जिस तरह का व्यवहार हरियाणा पुलिस और उसके साथ जो RSS के गुंडे थे जो हमें लग रहा, तो वो एक धर्म के आधार पर इशू खड़ा करना चाहते, जिस तरह से हमें खालिस्तानी बताते हैं या खालिस्तानी कहते हैं, तो वो बोल रहे थे इनको, तो इसके लिए मुझे लगता है अभी ये तो सिंह साहब इसके बारे में अपनी बात रखें। पंजाब सरकार से तो हम वैसे ही बोलते भी, उन्होंने स्वतंत्र पंजाब की टेरिटरी का इस्तेमाल किया पूरे थ्रू आउट आंदोलन, तो अभी भी उनके CID के लोग हमारे आंदोलन में आके घुसते हैं, तो हम तो उनको लगातार बोल रहे हैं भी अब जिस तरह का भी FIR बनती है तो करिए, अभी पंजाब सरकार की दुचित्ती है, वो कुछ कर नहीं पा रही। आप समझते हैं SGPC को भी इस मामले में सामने आने जो भेद भी हुई है? क्यों नहीं, देखिए धार्मिक संस्थाएं हमारी जो भी है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो बयान प्रीतपाल जी उनकी माता जी दे रहे हैं, तो उनके आधार पर उनको कार्य करना चाहिए।